रेलवे द्वारा बढ़ते कोयला संकट के लिए किया जा रहा है कार्य। मालगाड़ियों में बिजली संयंत्रों तक पहुंचाया जा रहा है कोयला। देश में कोयले के बढ़ते संकटों के बीच रेलवे से अच्छी खबर आ रही है। रेल प्रशासन द्वारा कोयला ले जा रही मालगाड़ियों को निगरानी की जा रही है, साथ ही कहीं भी हाल्ट ना हो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि रेलवे ने वृत्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान रेलवे के माध्यम से कोयले की आपूर्ति में 11.1 करोड़ टन की बढ़ोतरी की गई है। बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की लदान की प्राथमिकता देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय रेल सभी बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की मुख्य आपूर्तिकर्ता है और वर्ष 2021 से 22 और वर्तमान अप्रैल महीने में बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई अहम उपाय किए गए हैं। अप्रैल 2022 में भारतीय रेल ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की लदान को प्राथमिकता देते हुए कई कदम उठाए हैं, जिससे सिर्फ एक सप्ताह के भीतर कोयले की आपूर्ति 10% से ज़्यादा बढ़ गई है। कि कोल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे की फ्रेट सेक्टर में, और अभी इस समय कोल के ट्रांसपोर्टेशन को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है। पश्चिम मध्य रेल में भी अगर मैं बात करूं तो कोल की लोडिंग भी की जा रही है और अनलोडिंग भी हो रही है। कोल की लोडिंग की अगर मैं बात करूं तो टोटल इस साल में जो अप्रैल 22 के बाद मतलब 1/4/22 के बाद जो अभी तक के 30-32 दिन निकले हैं उसमें लगभग 84 रेक हमने कोल लोड किया है और रफली अबाउट 1000 से ऊपर रेक अनलोड भी किए हैं। तो जो हमारे 8 पावर स्टेशन्स हैं पूरे WCR में, 4 कोटा मंडल में, 2 भोपाल मंडल में, 2 जबलपुर मंडल में, इन पर तेज़ी हम कोयले की आपूर्ति की जा रही है। सर, बेशक चूंकि ट्रैफिक इसका बढ़ चुका है तो किस प्रकार से प्राथमिकताएं पैसेंजर ट्रेन या कोयले को दी जा रही है, किस प्रकार से मैनेज हो पा रही है? जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन कोल ट्रांसपोर्टेशन वाले रूट्स हैं कटनी सिंगरौली सेक्शन, बीना कटनी सेक्शन, बीना कोटा सेक्शन, इटारसी जबलपुर कटनी सेक्शन, ये सारे में कोल ट्रांसपोर्टेशन टू द थर्मल पावर प्लांट्स बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है कोल रेक्स को, सो दैट जो टर्न अराउंड है कोल रेक्स का वो भी बढ़े। हमारे संवाददाता एहतशाम खान की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश से।